ही मिलता है। और एक खूबसूरत इजाफा हुआ हमारे मोहतरम भाई जनाब सौरत अली साहब साबिक एमएलए मरदबा किसी भी यहाँ इसी फरमा हो चुके हैं। तो अल्लाह करे ये रौनकें और ये तमाम बरकतें कायम रहें और हम लोग इस अपने अपने लिए अपने करिए या शहर के लिए अपने ज़िले अपने सूबे अपने मुल्क के लिए बेलौस और बिना तफरीक खिदमत करते रहें। कुरान करीम ने जब इंसान की हैसियत बताई है तो वो सिर्फ ये है कि तुझे मिट्टी से पैदा किया गया और उसमें जितने भी इंसान हैं उन सब की एक ही हैसियत है, इंसानी हैसियत की। अपने उसके अखलाकी किरदारी ईमानी दर्जात अलग हैं, वो उसमें जितना भी तैराक है जितना भी उसमें आगे बढ़ेगा वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन इंसानी नाते से एक दूसरे को कोई कंडम नहीं कर सकता, कोई नफरत नहीं कर सकता। ये कुरान का फैसला है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है और इन बुज़ुर्गों की यही तालीमात हैं। जिस सबसे पहले मैं जनाब अरोड़ा साहब जो हमारे बड़े करम फरमा हैं और यहाँ के अकीदतमंद हैं और जिस दिन से और जब से प्रथमा बैंक 2 अक्टूबर 1975 से कायम है तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तान का पहला देहाती या ग्रामीण बैंक जिसे कहा जाता है प्रथमा बैंक और उसकी सबसे पहली शाख रजबपुर में है और इसके साथ ही उसके सबसे पहले ग्राहक भी मेरे मरहूम भाई मुझे फरीदी साहब। और रिवायतन रिवाजन अब तक जितने भी चेयरमैन साहबान यहाँ रहे हैं वो बराबर इस आस्थाने पर आते रहते हैं, यहाँ से ताल्लुक कायम रखे हुए हैं और इस आस्थाने की तमाम दुआएँ ने ख्वाहिशात उनके साथ हैं। और ये बैंक जो खिदमत कर रहा है देहात में ख़ास तौर पर उसकी तरक्की ही दिन रात हो रही है। अब सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जनाब अरोड़ा साहब से शिफ्ट लाए उनकी दस्तावेजी। और अब ये खुदाबाद महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हुए, खुदाबाद एक ऐसा शहर है जहाँ मेरी 19 अगस्त को अभी हाजिरी हुई और शायद इतना ऐसा शहर मैंने नहीं देखा। एक तो बड़ी खूबसूरत वादी में वो आके है, चारों तरफ पहाड़ हैं सब और इतने आस्थाने हैं औलिया कराम के। बाबा साहब के 2 खलफा वहाँ आराम फरमा हैं और हजरत महबूब इलाही के 2 खलफा आराम फरमा हैं और बंदा नवाज येसु दराज के वालिद माजिद आराम फरमा हैं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर की शहजादी मोहतरमा हजरत आयशा वहाँ आराम फरमा हैं। दूसरे जनाब जाफर हुसैन साहब जो औरंगाबाद से तशरीफ लाए हुए हैं, कहाँ का ही आदमी हैं, कहाँ का ही खिदमत अंजाम देते हैं बड़े पैमाने पर। जनाब जाफर हुसैन साहब
अब सोलापुर महाराष्ट्र से आगे अलीबासन का उचित जगह ये भी वहाँ से तरह साबरिया की बड़े खदमात अंजाम दे रहे हैं और यहीं से ये वाबस्ता भी है बहुत तुम्हारे साथ करें उनको भी भेज दे देगा जल्दी करो और जी बात आओ भाई जल्दी से आओ और भेजो जल्दी से एक डॉक्टर आकर मूवी से समीक्षा कराते हैं हर इनकी तरफ से खिलाफ पेश होता है दिवाली का भी देते भी आते हैं देते भी आते हैं जनाब और एक और हमारे कर्म फर्मा जनाब द्वारका प्रसाद पाठक साहब जो खंडवा मध्य प्रदेश से तशरीफ लाए हुए हैं सारे व्यवस्था भी उनकी हाजिरी हुई थी एक बहुत पुराने कारोबारी भी हैं पुराने रईस भी हैं जर्नलिस्ट भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं वहाँ के बड़े बाइज्जत लोगों में है खंडवा के मध्य प्रदेश में आपको जनाब दौलत अली साहब जनाब अब दरगार अगर मियां मौत रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सज्जाद मस्कीन अगर जनाब अगर जिया सदीकी साहब अमरोहा अली अब्दुल बारी साहब जिसे सिलसिले सादिया को हिंदुस्तान में फरोग हुआ उस खानवादे के दर्शन चरा रहे हैं और एक और हमारे हकीकतमंद इस बारगाह के जो बरसों से आते हैं मिस्टर सचिन जो सोलापुर से हर साल बड़े अदब और एहतराम के साथ हकीकत के साथ में हाजिरी देते हैं हाँ अहमदनगर महाराष्ट्र से जनाब काशिम भाई ये तो मुस्तकिल आने वाले हैं हमारे बरसों के यहाँ तशरीफ लाते हैं जनाब काशिम साहब वहाँ के बड़े मोतबर हजरात में हैं अहमदनगर से सरदार भूपेंद्र सिंह जी सरदार भूपेंद्र सिंह जी Yeah.
लग रही थी, तो सालाना की तरह उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बाबा जी की बड़ी पाक बख्शिश है कि हमें नवाजते हैं, हमें रोज में शामिल होकर आपको बड़ा दुर्भाग्य समझ रहे हैं। जैसे पहले डॉक्टर नकवी साहब बोल रहे थे, बड़ी सेवा करके हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी में, और सूफीज़म के बारे में इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया। हमारे सिखों के लिए विशेष तौर पर जो हम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में इस तरह बता रहे थे कि गुरु नानक साहब जब पाक पटन गए तब उसको बाड़ी पत्थर की, और हमारे फिफ्थ गुरु थे जो पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जब इसका संकल्प किया, जो एडिटिंग की गुरु ग्रंथ साहब की, तो उन्होंने इनकी बाणी गुरु बाबा फरीद जी की दर्ज की, जिसमें 112 शब्द चार शब्द 112 श्लोक दर्ज है, और 18 श्लोक हमारे गुरु साहबान ने, तीन गुरु साहबान ने भी बाबा फरीद के बारे में। तो बहुत पवित्र हमारा फरीदकोट में तो सभी वर्गों के लोग बाबा फरीद जी को मानते हैं, सिर्फ सिख ही नहीं सभी वर्गों में। मुझे हमें बहुत हैरानगी होती है जो डाउन साउथ के लोग हैं, जो हमारे मिलिट्री में आते हैं, तो उनके जो परिवार हैं वो ऐसे नंगे पैर चल के वो बाबा फरीद जी की दरगाह पर आते हैं। इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास, हम आप सभी को निमंत्रण देते हैं, बाबा जी तो जाती हैं, आप कभी आओ दर्शन करो हमारी उधर बाबा फरीद जी की दरगाह पर, कितनी मोहब्बत का पैगाम उधर से फैलाया जा रहा है। और बाबा फरीद जी का एक शब्द है, जिनों मोहब्बत दिन से, मैं एक मिनट आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मैं वाणी है इसको मैं गलत ना चारण कर दूं। एक शब्द है सुनो तो अभी हम सारे, एक शब्द है, जिनों मोहब्बत जिन से ही सच्चे है, जिन मन और मुख होर से कांटे कचे, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिस्तरा जिन नाम के भोए भार थी, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तिन धन तेरे दी माओ आए सब, प्रगटगार अपार अगम बेअंत तू, जिन्ना पछाता सच तुम्मा पैर तू, तेरी पने खदाए तू बखसंदगी, खेर सेख फरीदा खैर दीजे बन। ये उनका शब्द है, चार से एक शब्द उनका वाणी में, आशा के आशा राग में है। तो बाबा जी का बहुत पैगाम, जो मोहब्बत का पैगाम फैलाया, हम सब चाहते हैं कि हम सब देशवासी बाबा फरीद का ये पीस का जो पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, सब जगह फैलाएं। और जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी ने बाबा फरीद जी के जैसे 15 भक्तों की बाणी, 11 भट्टों की बाणी, 4 6.5 गुरु साहबान की बाणी है, और 4 सिखों की बाणी, और 36 जो महापुरुषों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, तो बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पैगाम है गुरु ग्रंथ साहब में जो मोहब्बत का है, सबको इकट्ठा किया गुरु साहब ने, तो उसकी जरूरत है देश को उसको फैलाने की। और हम तो बाबा जी के बड़े धन्यवादी, हम दुआ करते हैं बाबा जी की अच्छी सेहत दें, खुदा करें परमात्मा बहुत लंबी आयु करें, इन्होंने हमें जोड़ा है दरगाह से, तो हम तो बड़े खुश रहते हैं, अड़ीक के रहते हैं उनके, साल बाद उस आएगा तो हम जाएंगे, एक बार मौका मिला बीच के भी आने का तो बड़ी कृपा है दरगाह की, तो हम दुआ करेंगे ऐसी कृपा करें बाबा फरीद जी, कृपा रखें हम सब पर, हमें इससे जुड़ी रखें। मैं दोबारा फिर आप सबका और दरगाह का विशेष तौर पर बाबा जी के बहुत धन्यवादी हैं, हम जैसे हमें नवाजते हैं बताते हैं बड़ी मोहब्बत से, कितने फोन करते हैं, स्पेशल कार्ड भेजते हैं, इनका भी बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नकवी साहब को सुना उनका, वो तो हमारे एक सेमिनार में भी गए हैं, बाबा फरीदकोट में गए, बड़े बड़े स्कॉलर ने, तो हम सबको दर्शन किए आपके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।